हेलो एवरीवन, नमस्ते। आज की ये रीडिंग उन व्यूअर्स के लिए है जो उम्मीद लगाए बैठे हैं किसी पर्टिकुलर पर्सन के साथ लव लाइफ में इम्प्रूवमेंट आने की। इस रीडिंग से देख रहे हैं जिस तरह आप वेट कर रहे हैं, सब कुछ सरेंडर किया है, इससे दूरियां बढ़ रही हैं या कम हो रही हैं आप दोनों के बीच। तो इस रीडिंग से आपके रिलेशनशिप का स्टेटस देखेंगे और साथ साथ क्या ऐसा है जो आपके रिलेशनशिप को अफेक्ट कर रहा है, किस तरह अफेक्ट कर रहा है आप समझ सकेंगे। तो ये रीडिंग उन व्यूअर्स के लिए है जिन्हें अपने पार्टनर का इस वक्त कॉन्टेक्ट कम्युनिकेशन रिसीव नहीं हुआ है, प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं है, ट्रांसपेरेंसी दोनों के बीच नहीं है और थोड़ा डाउटफुल भी है। तो इस रीडिंग से देख रहे हैं आपके रिलेशनशिप में इस वक्त दूरियाँ बढ़ रही हैं या कम हो रही हैं। सबसे पहले एक एक कार्ड लेते हैं आपके पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के लिए। आप अपने पार्टनर पर कॉन्सेंट्रेट करें, थिंक ऑफ देम, उनके बारे में सोचें, उन्हें विजुअलाइज करें। डेथ है बॉटम ऑफ द डेक में, बड़े ट्रांसफॉर्मेशन का दौर है, बहुत कुछ बदल रहा है आपके रिलेशनशिप में। पास्ट आपका रहा है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, प्रेजेंट आपका चल रहा है द चैरियट और फ्यूचर आपका है टेम्परेंस। ऑल राइट, देखिए पास्ट क्वीन ऑफ सॉर्ड्स रहा है, इट मींस रिलेशनशिप में कॉन्फिडेंस की कमी रही है, ट्रस्ट इश्यूज रहे हैं। साथ साथ प्रेजेंट जो है दैट इज द चैरियट, इट मींस एक दो राहें हैं, ब्लैक और वाइट दो तरह के यहाँ पर हॉर्सेस हैं। सेवन नंबर स्पिरिचुअलिटी का है, तो इस वक्त जो चल रहा है रिलेशनशिप में दैट इज़ ऑल कन्फ्यूज़न, कन्फ्यूज़न चल रहा है, समझ नहीं आ रहा है कि किस ओर बढ़ना है। बहुत मुसीबतों के बाद भी आगे बढ़ते जा रहे हैं अपनी लाइफ में, बट ये लाइफ का जो ट्रैक है ये आपको कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी की ओर लेकर जा रहा है। फ्यूचर में यहाँ टेम्परेंस है और टेम्परेंस मेजर अड़काना का कार्ड है, बैलेंसिंग को दिखाता है। इट मींस यूनिवर्सली बैलेंस तो किया जा रहा है सिचुएशन को, बिकॉज इस वक्त सिचुएशंस आपके हाथ में तो है नहीं, तो यूनिवर्सली आप दोनों के रिलेशनशिप को बैलेंस तो किया जा रहा है। बट फ्यूचर में टेम्परेंस आया है, इट मींस इट कैन टेक लॉन्ग, इसीलिए बॉटम ऑफ द डेक में डेथ और रीबर्थ कह सकते हैं इसे। रीबर्थ का मीनिंग है इस रिलेशनशिप में बहुत से चेंजेस आने बाकी हैं जो कि इस तरह से ही आने वाले हैं इस वक्त जो भी आपका पाथ चल रहा है। नंबर 13, 14, 7 इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं आपके लिए। नंबर 13, 14, 7 साथ साथ 4 और 5 नंबर भी इम्पॉर्टेंट हो सकता है। अब देखते हैं आपके रिलेशनशिप का प्रेजेंट स्टेटस क्या चल रहा है, चाहे आप दोनों कॉन्टेक्ट में हैं या नो कॉन्टेक्ट में हैं। कनेक्शन अगर डीप है तो ऑफकोर्स आपके पर्सन भी आपके बारे में सोचते हैं और आप भी उनके बारे में सोचते हैं। तो लेट्स सी इस वक्त रिलेशनशिप का स्टेटस कैसा है। आप कॉन्सेंट्रेट करें उन पर, अपने पर्सन को विजुअलाइज करें, उन्हें इमेजिन करें आपके सामने बात करते हुए, वॉक करते हुए, उनका नाम भी लें अंदर ही अंदर। सबसे पहले देखते हैं एट प्रेजेंट रिलेशनशिप का स्टेटस क्या है। अगर आपको लगता है यही स्टेटस आपका है तो आगे वाली रीडिंग आपके लिए ही होगी। द हाई प्रीस्टेस हैं बॉटम ऑफ द डेक में, आप
आपके रिलेशनशिप में दोनों के बीच कुछ कार्मिक सिचुएशंस क्रिएट हो चुकी थी जिनका असर अब तक है, बट साथ साथ यहाँ द हाई प्रीस्टेस हैं, इंट्यूशंस को बताती हैं। तो इंट्यूशंस आपको और आपके पर्सन को दोनों को रिसीव होते हैं डीप इनसाइट कि बेटर क्या है, बट फिर भी सीक्रेटिव बिहेवियर आप दोनों का एक दूसरे के साथ चल रहा है। आप तो रीडिंग देख ही रहे हैं, स्पेशली आपके पर्सन का सीक्रेटिव बिहेवियर इस वक्त चल रहा है आपके साथ, क्लैरिटी नहीं दे रहे हैं और बहुत सी बातों को हाइड किया हुआ है आपसे। नंबर टू है, मून को एक्सप्रेस करता है, लेट्स सी इस वक्त आपके रिलेशनशिप का स्टेटस। अगेन द सेम कार्ड्स आए हैं, टेम्परेंस, द वर्ल्ड, सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स, टेम्परेंस। इट मीन्स एक लॉन्ग टाइम पीरियड ऑलरेडी हो चुका है जिसमें रिलेशनशिप बर्डन के साथ आगे बढ़ रहा है, दोनों अलग अलग डायरेक्शन में इस वक्त चले गए हैं, बट साथ साथ यहाँ टेम्परेंस है। टेम्परेंस में आप देखेंगे दिस इज एंजल, और एंजल अपने हाथों से दोनों कप में इमोशंस को इक्वल कर रही हैं। इट मीन्स दूरियां तो हैं, डायरेक्शन भी अलग अलग हैं, बट ये जो भी चल रहा है लाइफ में दिस इज़ टू ब्रिंग यू बैक, वापस लाने के लिए ही चल रहा है। द वर्ल्ड, टेम्परेंस, जैसे ही बैलेंस हो जाता है, साइकिल कंप्लीट हो जाता है, कार्मिक साइकिल, आप दोनों फिर से बैलेंस में आ जाएंगे, रीयूनियन आपका होगा। बट मेजर अर्काना की कार्ड से सराउंडेड हैं द वर्ल्ड, टेम्परेंस, इट मीन्स इट टेक्स वेरी लॉन्ग, बहुत लंबा समय भी लगता है। आपके रिलेशनशिप को जो अफेक्ट कर रहा है दैट इज एट ऑफ सॉर्ड्स, नाइट ऑफ सॉर्ड्स, द हायरोफेंट, ऑलराइट। बॉटम ऑफ द डेक में द हाई प्रीस्टेस हैं, तो आप में से कुछ पर्सन डील कर रहे हैं किसी ऐसे पर्सन से हु इज मैरिड समवेयर एल्स, कहीं और मैरिड हैं, और ऐसा होने में इस पर्सन के, आपके पार्टनर के जो एक्शंस हैं उन्हें कम्प्लीटली कंट्रोल किया हुआ है, टाई किया हुआ है। तो आपका रिलेशनशिप अफेक्टेड है एट ऑफ सॉर्ड्स, द हायरोफेंट, नाइट ऑफ सॉर्ड्स से। इल्यूजन है, वहम है आपके पर्सन को भी और आपको भी। आप अपने एंड से क्लियर हो सकते हैं बट आपके पर्सन फुल्ली टाइड अप हैं, इल्यूजन में हैं, और उन्हें लगता है कि दिस इज़ इम्पॉसिबल। अगर डिसीज़न लेते हैं आपके लिए तो उन्हें लगता है कि ये पॉसिबल नहीं है। नाइट ऑफ सॉर्ड्स भी हैं यहाँ पर, सडन मेमोरी एक दूसरे की आती है, इस तरह का कुछ सीन है यहाँ पर। द हायरोफेंट है, जस्ट अ मिनट प्लीज, ऑल राइट। नाउ लेट्स सी गिवन सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए। सेवन ऑफ कप्स, एस ऑफ वेंट्स, थ्री ऑफ सॉर्ड्स। देखिए थर्ड पार्टी सिचुएशन है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल थर्ड पार्टी सिचुएशन को रिमूव करने की ज़रूरत है, बट दिस इज़ नॉट इन योर हैंड्स, ये आपके हाथ में है नहीं। एस ऑफ वेंट्स बताता है आप अपने लिए एक स्टैंड ले सकते हैं लाइफ में, आप अपनी एक न्यू बिगिनिंग कर सकते हैं। ये बिगिनिंग यहाँ पर कप्स वाली नहीं है, स्वॉर्ड्स वाली भी नहीं है, ये बिगिनिंग है वेंट्स वाली, और वेंट्स का मीनिंग है पार। तो आप अपनी पार में आए और अपने लिए लाइफ में अपना एक स्टैंड लें, इट मीन्स आप अपनी लाइफ को रिवाइव करने लग जाएं। सेवन ऑफ कप्स का मीनिंग है आपके सामने थिंग्स तो अवेलेबल हैं इस वक्त, बट यू आर अफेक्टेड बाय योर पास्ट, पास्ट से अफेक्टेड हैं, तो इस वजह से इनमें से सिलेक्शन अभी नहीं करना चाहते हैं। तो रिलेशनशिप का स्टेटस एट प्रेजेंट चल रहा है द वर्ल्ड, सिक्स ऑफ सॉर्ड्स, टेम्परेंस। इट मीन्स जो भी चल रहा है इसे आप कह सकते हैं एक यूनिवर्सल डिस्टर्बेंस, यूनिवर्सल स्ट्रेटेजी, और ये चल रहा है दोनों को सेम पेज पर लाने के लिए। टेम्परेंस एंजल जब खुद बैलेंस बनाएंगी इमोशंस को लेकर के, तो ऑफकोर्स सेम पेज पर दोनों को लेकर आएंगी।
इस वक्त दोनों सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स अलग अलग डायरेक्शन में चल रहे हैं, साथ साथ बर्डन पूरा है। आपके पर्सन ऑलरेडी मैरिड हो सकते हैं समवेयर एल्स और उनके एक्शंस को पूरी तरह से कंट्रोल किया हुआ है, साथ साथ इस वक्त वो एक्शन ले भी नहीं रहे हैं। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स है, यहाँ पर कुछ बताना चाहता है। समथिंग इज प्रिवेंटिंग योर रिलेशनशिप, कुछ है जो आपके रिलेशनशिप को रोक रहा है। आपके पर्सन और आप दोनों के बीच द हाई प्रीस्टेस होने का मीनिंग है, इंट्यूशंस तो मिलते हैं, बट नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स इट मीन्स देर इज समथिंग रॉन्ग समवेयर, कुछ ऐसा है जो आपके रिलेशनशिप को बार बार इसी तरह स्टक कर देता है। लेट्स सी व्हाट डज नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स मीन। सिक्स चक्रा आर्कएंजल मेट्रॉन है यहाँ पर। सिक्स चक्रा आर्कएंजल मेट्रॉन थर्ड आई चक्रा को एक्सप्रेस करते हैं, विजन की जो क्लैरिटी है उसे देते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो क्लैरिटी नहीं मिली है आपके पर्सन को, बिकॉज वो खुद टाइड अप हैं या फिर उन्हें टाइड अप किया गया है, कंट्रोल किया गया है, इल्यूजन में हैं। सिक्स चक्रा आर्कएंजल मेट्रॉन जब आए हैं क्वालिफिकेशन में, इट मीन्स देर इज समथिंग रॉन्ग। इसमें किसी तरह का स्पेल वर्क भी इंक्लूड हो सकता है जो कि आपके पर्सन पर किया हुआ है, बिकॉज यहाँ आपके पर्सन एट ऑफ स्वॉर्ड्स की तरह दिखाई दे रहे हैं। यहाँ एंजल ऑफ बैलेंस हैं जो कि टेम्परेंस को बताती हैं। तो आप दोनों के बीच ये सिचुएशंस यूनिवर्सली क्रिएट हुई हैं और ये क्रिएट हुई हैं दोनों को सेम पेज पर लाने के लिए। इस वक्त आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं बट फिर भी पास्ट से अफेक्टेड हैं और बार बार आपका अटेंशन पास्ट पे ही चला जाता है। तो आपको अपनी लाइफ में एक स्टैंड अप लेने की ज़रूरत है। लेट्स सी टेम्परेंस जो हैं, आपका फ्यूचर जो है टेम्परेंस, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स द चैरियट टेम्परेंस, तो जो आपका फ्यूचर है व्हाट डज इट मीन, इसका मीनिंग क्या है। फ्यूचर में टेम्परेंस आने का मीनिंग है अभी भी इट विल टेक लॉन्ग, थोड़ा लंबा समय अभी भी लगने वाला है, बट उसके बाद दोनों सेम पेज पर आने वाले हैं। इफ़ यू हैव ऑलरेडी सरेंडर, तो फिर ऐसे में आपके पर्सन को अभी कुछ लेसन्स लाइफ से लेने हैं, उसके बाद दिस पर्सन विल बी डाउन टू अर्थ, ये वैसे हो जाएंगे आपके साथ। लेट्स सी टेम्परेंस क्या बताना चाहते हैं। टू ऑफ पेंटिकल्स आया है, कंफ्यूजन है। तो इसी कंफ्यूजन को क्लियर करने के लिए वी कैन से कि ये इस तरह का स्ट्रगल आपके पर्सन की लाइफ में चल रहा है, बिकॉज इनके पास पहले भी दो रास्ते रहे हैं और अभी भी दो रास्ते हैं, बट डीप इनसाइड इंस्टिंक्ट तो रिसीव होते हैं आपके पर्सन को, जिसे वो खुद ही हाइड कर रहे हैं। लेट्स सीक वन एडवाइस कार्ड फॉर यू, आपके लिए एक एडवाइस लेते हैं। जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस साइन बहुत इंपॉर्टेंट आए हैं, टॉरस भी इंपॉर्टेंट आया है, सेजिटेरियस भी। नंबर 7, 8, 4, 5 इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। नेम इनिशियल्स आपके पर्सन के OZ EHNX FP DMT हो सकते हैं। BKR और CGLS भी नेम इनिशियल्स हो सकते हैं। तो ऐसे में आपके लिए देख रहे हैं व्हाट शुड यू डू, आपको क्या करना चाहिए। वाइज काउंसलर का कार्ड है यहाँ पर। यूनिटी विद अ स्पिरिचुअली माइंडेड कम्युनिटी, आपको इस वक्त जो कंपनी चाहिए वो चाहिए कुछ ऐसे पीपल की
जो कि स्पिरिचुअली कॉन्शियस हैं, स्पिरिचुअल पीपल हैं, इट मींस पीसफुल रहते हैं, जल्दी से हरास्ड नहीं होते हैं और कूल माइंड के साथ डिसीजन लेते हैं. आस्क द डिवाइन फॉर हेल्प, गॉड पर आप ट्रस्ट करें, ट्रस्ट द आंसर्स विल कम, आंसर ज़रूर आएंगे. कंपेयर ट्रेडिशनल मेथड्स विद न्यू आइडियाज़, तो आप जो अब तक कर रहे हैं उससे हटकर कुछ आपको करना चाहिए. टू सी विच इज़ बेस्ट फॉर यू, और इससे आप खुद ही डिसाइड करें कि आपके लिए बेस्ट पाथ क्या है. तो इस वक्त आपको वाइज काउंसलर, कुछ अच्छे लोगों से एडवाइस लेने की ज़रूरत है. तो हम देख रहे थे आप दोनों के बीच दूरियां बढ़ रही हैं या कम हो रही हैं. देखिए एट प्रेजेंट दूरियां बढ़ ही रही हैं, बट ये दूरियां फिर भी कहीं ना कहीं आपको वापस से नज़दीक लाने के लिए ही बढ़ रही हैं. सेम पेज पर आना ज़रूरी है. आपके पर्सन डाउन टू अर्थ हो, आपके साथ डिसेंट हो सकें, जेंटल हो सकें, आप भी उनके साथ, इसलिए ये दूरियां बढ़ रही हैं. बट फ्यूचर की बात कर रहे हैं तो टेम्परेंस हैं, द हायरोफेंट हैं, बॉटम ऑफ द डेक में द हाई प्रीस्टेस हैं. इट मींस इंट्यूशंस तो एक दूसरे को रिसीव होते ही रहेंगे और आपके पर्सन सभी कन्फ्यूजन्स से जब बाहर आएंगे तब प्रॉपर कमिटमेंट आप देंगे. लेट्स आस्क एंजल्स, एंजल्स से पूछते हैं एक क्वेश्चन. एंजल्स से यस और नो में पूछते हैं, विल योर पर्सन कम बैक टू यू, क्या आपके पर्सन फिर से आपकी ओर आएंगे. अनलाइकली आया है यहां पर आंसर, अनलाइकली. लाइकली का मीनिंग है रैशनल, अनलाइकली का मीनिंग है इरेशनल. इट मींस इस पर्सन ने अपनी लाइफ में कुछ सिचुएशंस ऐसी क्रिएट कर दी हैं जो कि इरेशनल अब बन चुकी हैं. रैशनली इस पर्सन का आपसे कनेक्ट होना थोड़ा मुश्किल है. ये पर्सन रैशनल हो सकते हैं, प्रैक्टिकल हो सकते हैं काफ़ी ज़्यादा, और इसी वजह से इस पर्सन की लाइफ में इस वक्त सिक्स ऑफ शॉर्ट्स वाला दौर चल रहा है. बहुत मुसीबतों का सामना ये पर्सन भी कर रहे हैं इमोशनली, और जब टेम्परेंस के अकॉर्डिंग बैलेंस बन जाता है देन दिस पर्सन विल अप्रोच टू यू. बी असर्टिव, आप असर्टिव रहें, देर इज़ समथिंग बेटर, कुछ अच्छा है. बी असर्टिव में आप देखेंगे एंजल के हाथ में देर इज़ अ की, चाबी है एक तरह की. आपके लिए भी एडवाइस कार्ड वाइज काउंसलर आया था, इट मींस आपके फ्यूचर की भी आपके पास है. आप अपने आप को जब एक न्यू डायरेक्शन देते हैं तो फिर ऑफकोर्स जो आपके लिए बेस्ट होना चाहिए वो होगा. तो इस रीडिंग से हम देख रहे थे दूरियां बढ़ रही हैं या कम हो रही हैं. द आंसर इज क्रिस्टल क्लियर, दूरियां बढ़ने के पीछे जो रीज़न है दैट इज आपके पर्सन को कुछ सबक सिखाना और उन्हें डाउन टू अर्थ बनाना, दोनों को सेम पेज पर लेकर आना. दिस इज ऑल, थैंक यू सो मच, प्लीज़ टेक केयर.